नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि भारत भी ड्रोन के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, लेकिन क्या हम वाकई में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं या नहीं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही हमारे पास आर्चर, तापस, स्विफ्ट, ड्रोन के कई सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन हम वहाँ पर कितने सक्सेसफुल हुए हैं, यानी कितनी हमें सफलता मिली है, और यहाँ पर हमें किन चीज़ों की कमियों का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से आज भी हम इसराइल और अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं। और ये वाकई में हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम अमेरिका और इसराइल से ड्रोन्स खरीदें, जबकि भारत अपने खुद के प्रोग्राम्स पर भी काम कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आज आप जानेंगे। और यही नहीं, तुर्की जैसा देश आज ड्रोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है, और ऐसे में हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ये बात भी हमें जाननी बेहद जरूरी है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स का कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें कि डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए ड्रोन्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कि डीआरडीओ के रुस्तम 1 पर आधारित आर्चर ड्रोन को दिखाया गया। और आर्चर पर भी काम पिछले 5 से 6 सालों से चल रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। रुस्तम 1, जिसने अपनी पहली उड़ान 2010 में की थी, उसको अब भारतीय वायुसेना और ना ही भारतीय सेना के द्वारा स्वीकृति मिल पा रही है। और आखिरी बार जब CRPF ने नक्सल विरोधी अभियानों में इसका इस्तेमाल किया था और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तब से एक बहुत बड़ा धक्का लगा था भारत को भी, जिसकी वजह से अब BSF भी रुस्तम 1 ड्रोन के निहत्ते संस्करण के लिए उत्सुक नहीं है। और ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि DRDO के आर्चर ड्रोन को पिच कौन कर रहा है, जबकि आर्चर ड्रोन जो है वो एक सशस्त्र ड्रोन है जिसमें कि आर्मन मिसाइलें लगाई जाएंगी, लेकिन इसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पिछले 5 सालों से भारत का तापस जो ड्रोन है, जिसे कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, ये अभी तक बिना किसी सफलता के विकास के अधीन है, यानी कि अभी भी इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन इसका भी कुछ पूरा पता नहीं चल पा रहा है। रुस्तम 2, जिसे कि तापस कहा जाता है, ये अभी भी ओवरवेट है, और इसके इंजन को करीबन 3 बार बदला गया है ताकि ये भारतीय सेना की जो जरूरत है उसे पूरा कर सके। आपको बता दें कि 115 HP रोटेक्स इंजन को 180 HP ऑस्ट्रो इंजन से बदला गया था, लेकिन फिर एक स्थानीय भागीदार के साथ विकसित किया गया एक स्वदेशी 180 HP CRDI इंजन को बनाया गया लोकल पार्टनर के साथ। लेकिन अब बात सामने आई है कि जिस लोकल पार्टनर ने स्वदेशी रूप से 180 HP CRDI इंजन को डेवलप किया था, अब उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसे 210 HP CRDI इंजन में बदलने का, जिससे कि इसका वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, खासकर की हाई एल्टीट्यूड पर। रुस्तम 2 में अभी भी कई तरीके की खामियां हैं, दोस्तों कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी है ताकि इन कमियों को दूर तो किया जा सकेगा एटलीस्ट। तो रुस्तम 2 में जो आंतरिक समय सीमा की सबसे बड़ी कमी देखी जाती है, और अभी तक इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये कब तक पूरा हो पाएगा, जिसका मतलब आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अगर इसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि इसकी मांग बढ़ती है, तो इसे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में प्रवेश करने में काफी वक्त और लग सकता है। अभी हाल ही में DRDO ने स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का टैक्सी ट्रायल पूरा किया है लो और हाई स्पीड के साथ, जिसे कि बाद में घातक अनमैन रिमोट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में तब्दील किया जाएगा। और घातक में जो इंजन लगेगा वो GTRI का कावेरी इंजन लगेगा, और कावेरी इंजन का ड्राइव वेरिएंट इसमें लगाया जाएगा, जिसमें अभी भी 3 से 4 सालों का वक्त लग सकता है, यानी कि 2025 से पहले ये भी संभव नहीं है। और भले ही इंजन तैयारी क्यों ना हो जाए, क्योंकि अभी ये कार्यक्रम यानी कि घातक का जो प्रोग्राम है वो प्रारंभिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। भारत सरकार भी अब और निवेश करेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है, जिसके बाद इसकी तकनीक के आधार पर ही घातक प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और विकसित किया जाएगा। हालांकि DRDO आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन स्विफ्ट से घातक में आने के लिए यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए करीबन 10 सालों से अधिक का वक्त लग सकता है। वहीं बात करते हैं रुस्तम 1 की, जिसकी अभी हमने पहले भी बात की थी। रुस्तम 1 को रिप्लेस किया जाना था इजरायली सर्चर और हेरॉन UAV से, और भारत का जो आर्चर ड्रोन है वो एक आम वर्जन है, जैसे कि मैंने बताया कि वो भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि एक ऐसा UAV होगा जो कि ग्राउंड टारगेट्स को हिट कर सकता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये जानने वाली है कि भारत अभी भी UAV को खरीद रहा है, और अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन UAV को सशस्त्र किया जाएगा, और यही नहीं हेरॉन TP के लिए भी भारत ऑर्डर दे रहा है, और ये सब हमारे तापस यानी कि रुस्तम 2 ड्रोन के लिए ठीक नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की योजना भी अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिससे कि ये पता चलता है कि भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी प्रोग्राम में विश्वास की कमी है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि परफॉर्मेंस हमने देखी, आउटपुट नहीं मिला, जरूरत भी है, हम इंतजार तो नहीं कर सकते, इसीलिए बाहर से ड्रोन खरीदना ही
हमने बेहतर समझा है और इसीलिए डीआरडीओ को यूएवी क्षेत्र में यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में एक साथ काम करना अभी भी बाकी है और भारत को अपने इन ड्रोन्स का विकास करना जारी रखना होगा, क्योंकि यूएवी के बाजार में आसानी से भारतीय निर्माताओं को जो सिस्टम और सबसिस्टम होते हैं ड्रोन्स में लगने वाले, वो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी सिस्टम और सबसिस्टम में इजराइल और अमेरिका का कोई मजबूत नियंत्रण भी नहीं है। इसलिए भारत जो ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माता है और जो अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता है उनसे खरीदारी कर सकता है इक्विपमेंट्स की, और भारत इनको असेंबल करके अपना खुद का ड्रोन आसानी से विकसित भी कर सकता है, ताकि निर्माण तो होगा ही साथ ही इनका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और ये एग्जाम्पल आप तुर्की से आसानी से ले सकते हैं। तुर्की ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है ड्रोन के क्षेत्र में, यही नहीं वो अब ड्रोन का निर्यात भी कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सिस्टम और सबसिस्टम की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक हैं, तो इनको असेंबल किया जा सकता है और अपने हिसाब से कॉन्फिगर करके एक नया यूएवी जो कि आर्म्ड और या अनआर्म्ड, जो कि सशस्त्र और बिना हथियारों के भी हो सकता है, उसको डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि जिस तरीके से भारत ने अभी यूएवी प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसमें कि स्वार्म ड्रोन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तीन कंपनियां, मैंने कल के डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया कि तीन कंपनियों को चुना गया जो कि प्राइवेट फर्म्स हैं भारत की, उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया और इनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। तो ऐसे में अब इन ड्रोन्स के क्षेत्र में भी, जिसकी भारत को अभी सख्त जरूरत है, जो बड़े ड्रोन्स हैं जो हथियार ले जा सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं, तो ऐसे में भारत को भी अब ये कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनियों के हाथों में सौंपना पड़ेगा ही, क्योंकि पिछले 5 से 10 साल लग गए हैं। डीआरडीओ भी लगातार काम कर रहा है, एक सफलता मिली है, लेकिन वो भी अप टू द मार्क नहीं है। यानी कि हम अपना सीना चौड़ा होकर नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत कुछ बता देती है। और परफॉर्मेंस किसके द्वारा निर्धारित की जा रही है? जो इनका इस्तेमाल कर रही है, यानी कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। इसीलिए निजी कंपनियों को सिस्टम और सबसिस्टम को इकट्ठा करने और विकसित करने या खरीदने की अनुमति देनी होगी। साथ ही ये भी क्लॉज यहाँ पर डालना पड़ेगा कि भैया आप अगर ड्रोन बनाते हैं, इस तरीके के बड़े ड्रोन्स बनाते हैं, इसमें स्वदेशी सामग्री का 60% से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि अगले कुछ सालों में भारत के पास एक स्थानीय विकल्प भी हो सके। तो कुल मिलाकर सिनेरियो कंप्लीट है। डीआरडीओ अपना काम जारी रखे जो ऑलरेडी कर रहा है, जिन ड्रोन्स पर काम कर रहा है, जो कि आर्चर, तापस, स्विफ्ट आदि ड्रोन्स है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स के हाथों में भी ये सब चीज़ें दे देनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि स्वार्म ड्रोन्स की तकनीक के बारे में तीन कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जीता ही, तो ऐसे में इस तरीके के ड्रोन्स का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत की प्राइवेट फर्म्स को दे देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसराइल और अमेरिका की पकड़ नहीं है इनके कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स या सिस्टम या सब कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। आप खरीदिए बाहर से कंपोनेंट्स को, और कुछ अगर लगता है तो अपने देश में खुद भी बनाइए। 60% का एक क्लॉज भी डालना पड़ेगा कि भाई 60% इसमें स्वदेशी सामग्री होगी, बाकी आप इसमें असेंबल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्षेत्र रहेगा और ये प्राइवेट फर्म्स, आप यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सालों के अंदर तैयार कर देंगी ड्रोन्स को, जो कि सशस्त्र भी होंगे और हाई एल्टीट्यूड पर जाने लायक भी होंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बात से आप कितना सहमत हैं? अगर काम तेज़ी से करना है और अपने आप को एक लेवल पर लेके आना है, साथ ही कंपटीशन भी करना है इंटरनेशनल मार्केट में, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।